गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप कवि करने ने तारा सिंह तो इन्हों का जोड़ा टाइम पीरियड है वह हैगा 1929 तो लैके 1993 ईस्वी तक का। तो इन्हों का जन्म अर्जन सिंह, पिता अर्जन सिंह ते माता धन कौर दे ग्रह पिंड हुकड़ा जिला हुशियारपुर विखे होया सी। इन्होंने ज़्यादा वार्तक रचना ते संपादना का काम किया, पर उन्हां दी जिहड़ी प्रसिद्धि है वह कवि वजों हुई है। तो उन्हां दे कुछ कु जिहड़े काव्य संग्रह ने सिम दे पत्थर, मेघले, असी तुसी, सूरज दा लैटर बॉक्स, नाथवाणी, कहकशां, तो इस तरह इन्हां दा जिहड़ा काव्य संग्रह कहकशां है उस नूं भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। तो इन्होंने अपनी कवितावां दे विच समाज के वक् वक् पहलुआ का जिहड़ा वर्णन है वह किया है। तो अपने सिलेबस के विच इन्हां दी जिहड़ी कविता भारियां पंडा शामिल की गई है। तो इस कविता दे विच उसने जीवन के कौड़े यथार्थ के सन्मुख छोटी पर चिंता मुक्त सुखमई जिंदगी की इच्छा प्रकट की है कि सानू जिहड़ी जिंदगी है वह सुख ते खुशी खुशी बतीत करनी चाहिदी है। तो अपने कोले कविता है भारियां पंडा। बदला वे बदला तू दो पल तू वर जाना, निक्की जी उमरा झेड़ा ना झांसा, किन मिन कर तुर जाना। तो इन्हां काव्य तुकां दे विच जिहड़ा कवि है वह कह रहा है कि बदलना पौना ते फुल्लां वर्गी सार्थक निक्की उम्र सुखाली है। तो इस दे मुकाबले जिहड़ी मनुख दी लंबी उम्र है वह बहुत ही ज़्यादा दुखां भरी है। तो कवि है जिहड़ा वह बदलना नूं संबोधन करदा होया कह रहा है कि तुहाडा काम है दो पल बर के चले जाना, ते तेनूं भाव बदलां दी जिहड़ी उम्र है वह बहुत छोटी है, ये बहुत समय विच वर के चले जाते हैं, इन्हां नूं कोई मतलब कि राग झगड़ा है जिहड़ा उस दे विच नहीं पैना पैंदा, एक बारी बारिश हो के बदल ने जिहड़े वह चले जाते हैं। पौने नहीं पौने स्नेहड़े बंड तुर जाना, दो पल रुकी फिर देश नूं पौनहीण कर जाना। तो इस तरह ही इन्होंने पौन की गल की है कि जिहड़ियां पौणा ने वह भी थोड़े समय के लिए रुमक के चलिया जांदियां ने। फुल्ला वे फुल्ला तू तो दो पल महक खंडिया के हसना ते तुर जाना। तो इस तरह जिहड़ा फुल है उसनू कहा है कि तू दो पल अपनी खुशबू दे के चला जाता है, रूप रंग रस धुप तो लैके धुप्पा विच खुर जाना। कहिंदे तू अपना रूप जिहड़ा रंग है वह धुप्पा तो लैके धुप्पा दे विच ही खुर जाना है, भाव मरझा जाता है। निक्कियां उमरां दा जौणा सिखाला, हुण महके हुण मोए। कहिंदे इस तरह जिहड़ियां निक्कियां उमरां वाले हुंदे ने कहिंदे उन्हां दा जौणा बहुत सौखा है, वह थोड़े समय दे विच ही महक जांदे ने ते थोड़े समय दे विच ही वह मर जांदे ने, मुक जांदे ने। ना कोई सल ना सांग कलेजे, ना तड़फे ना रोए। कहिंदे उन्हां नूं किसे भी तरह का कोई दुख उन्हां दे दिल दे विच कहिंदे नहीं हुंदा, ना वो तड़फदे ने ते ना वो रोंदे ने। वड्डियां उमरां दे दुख वडेरे सूरज वांग जलंदे। तो इन्हां काव्य तुकां दे विच पूरी कविता दे विच जिहड़ा कवि है वह सानूं प्रकृतिक हवाले दे के इस तरह इन्हां तुकां दे विच कवि प्रकृतिक हवाले दिंदा होया कहिंदा है कि यह बदलना पौना फुल ने जिहड़े वह बहुत छोटी उम्र विच ही जिंदगी दे अपने सुख भोग के चले जाते हैं, पर मनुख की है जिहड़ा सारी उम्र लंबी उम्र भोगदा है पर सूरज वांग चलता रहिंदा है, क्योंकि उसकी जिंदगी दे विच बहुत सारिया दुख तकलीफा आउंदियां ने। आवागौन दे चक्कर व्यूह विच धरती वांग चलंदे। तो कहिंदे उह उसना दुख तकलीफा दे विच लम्मा उस तरह कहिंदे घूमदा रहिंदा है, इस करके उसनू इहो जी जिहड़ी लंबी उम्र है वह चंगी नहीं लगती। वड्डियां उमरां भारी पंडा कोई चुकाए तां चुकीए, निक्की उमर पौण दा झोका,
ਝੇੜਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਦਲਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਰਸ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਖਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।